XUV700. महिंद्रा XUV300 और XUV500 से दो कदम आगे निकलते हुए अब कंपनी XUV700 को लेकर आने वाली है। जी हाँ, कंपनी ने इस नाम के साथ एक टीजर भी जारी कर दिया है। XUV700 को XUV500 का नया अवतार माना जा रहा है। इसे टेस्टिंग के दौरान कई बार सड़कों पर देखा भी जा चुका है। ऐसे में महिंद्रा की इस अपकमिंग 7 सीटर कार के बारे में जानिए कुछ खास बातें। महिंद्रा मतलब SUV। कंपनी के लाइनअप में केवल SUV कारें ही मौजूद हैं। इनमें SUV 300 और न्यू जनरेशन थार भी शामिल है। इनकी बेहतरीन ड्राइविंग डायनेमिक्स और शानदार फीचर लिस्ट तो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं, मगर इनके इंटीरियर काफ़ी आउटडेटेड लगते हैं। ऐसे में XUV700 का कैबिन डिज़ाइन एक नए लुक को एस्टैब्लिश करेगा, जहां टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए इंटीग्रेटेड डुअल डिस्प्ले नज़र आएंगे। टेस्टिंग के दौरान नज़र आए मॉडल में डुअल टोन अपहोल्स्ट्री भी नज़र आई थी, जो काफ़ी प्रीमियम दिखाई दी थी। ये कार कंपनी के W601 मोनोलॉक प्लेटफॉर्म पर तैयार की जा रही है और इसका साइज पहले से बड़ा होगा। इसके फाइनल डिज़ाइन से अभी पर्दा उठना बाकी है, मगर कुछ लीक हुई तस्वीरों में XUV700 का लुक ज़्यादा शार्प और प्रीमियम नज़र आ रहा है। महिंद्रा की इस नई SUV में नया 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन दिया जाएगा। यही इंजन ऑप्शंस सेकेंड जनरेशन थार में भी मिलते हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि इन ऑप्शंस को SUV700 में ट्यून करके पेश किया जा सकता है। थार में दिया गया टर्बो पेट्रोल इंजन 150 PS की पावर और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं इसके डीजल इंजन का पावर आउटपुट 130 PS और 300 Nm है। दोनों ही इंजन के साथ इसमें 6-speed मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। महिंद्रा SUV700 ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में भी आएगी। वैसे तो SUV700 की फीचर लिस्ट से अभी पर्दा उठना बाकी है, मगर इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी सामने आई है। इस कार में दिए जाने वाले सेगमेंट फर्स्ट फीचर में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम के तहत ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन की परसिस्टेंट और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे। टेस्टिंग के दौरान इसके एक मॉडल में मेमोरी फंक्शन के साथ पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का फीचर भी दिखाई दिया था। एक खास बात और, XUV500 में मौजूद मॉडल में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का फीचर सिर्फ डीजल टॉप वेरिएंट में दिया गया है। ऐसे में अब अपकमिंग XUV700 कार में डीजल और पेट्रोल दोनों ही मॉडल में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का फीचर दिया जाएगा, जो 7 सीटर SUV सेगमेंट में किसी दूसरी कार में नहीं दिया गया है। नई SUV700 को जुलाई तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है। माना जा रहा है कंपनी इस कार की कीमत 15 लाख से 22 लाख के बीच रख सकती है। सेगमेंट में इस कार का मुकाबला टाटा हैरियर और सफारी, MG हेक्टर, हेक्टर प्लस, हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस के टॉप लाइन वेरिएंट और अपकमिंग हुंडई अल्काज़ार से होगा।